खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत से है, जहां इकौना देहात में बौद्ध परिपथ से सटी तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर प्लाटिंग कार्य के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत करते हुए हिंदू युवा वाहिनी की जनपद इकाई द्वारा जिला महामंत्री कृष्णदेव सिंह के नेतृत्व में दिनांक 22 जून को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी RP चौधरी को सौंपकर मांग की गई थी कि तहसील इकौना के सामने श्री दुर्गा माता विसर्जन स्थली तालाब की भूमि पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा रविवार सुबह एक राजस्व निरीक्षक व 4 लेखपाल टीम बनाकर दुर्गा पूजा विसर्जन स्थली तालाब की भूमि की पैमाइश कराई गई और तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि होने के तत्काल बाद 2 GCB मशीन व ट्रैक्टर ट्राली लगाकर अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया। साथ ही तालाब की भूमि को चिन्हित करते हुए उसके अगल बगल 6 फीट चौड़ी व गहरा गड्ढा खुदवा दिया गया, ताकि पुनः तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण न हो सके। इस संबंध में उप जिलाधिकारी RP चौधरी ने बताया कि तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिसकी जाँच कराकर अतिक्रमण हटवा दिया गया है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। तालाब की भूमि को मुख्यमंत्री के अमृत सरोवर योजना के तहत सुंदरीकरण कराया जाएगा।